हेलो स्टूडेंट्स, 3.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अष्टभुज है, सम अष्टभुज है, यानी सम क्वेश्चन दिया है, सम बहुभुज है जिसकी 8 भुजा है। ठीक है, उसकी प्रत्येक आपको जो बाहरी कोण है उसका एंगल आपको पता करना है कि वो कितने डिग्री का है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसके अंत कोण भी बताना है कि वो कितने डिग्री का है। ठीक है, तो पहले हम बाहरी कोण निकाल के बताते हैं कि बाहरी कोण प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है। प्रत्येक कोण बराबर होंगे, अंत कोण भी और बाहरी कोण भी, क्योंकि बोला गया है सम बहुभुज है, यानी कि सभी भुजाएं उसकी बराबर है। ठीक है, तो बाहरी कोण का योग हम लोग को मालूम है, किसी भी आकृति के बाहरी कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। तो अगर बाहरी कोण का अगर आपको बताना हो कि वो कितने डिग्री का है, तो जितनी भुजाएं होंगी उतने से अगर हम भागा करेंगे तो हमें प्रत्येक कोण का जो मेजरमेंट है वो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं इसकी, 8 भुजाएं हैं, तो हमने इसको 8 से भागा किया, 360 को 8 से भागा किया, तो हमारा आंसर आया 45, यानी प्रत्येक बाहरी कोण इसका कितना है, 45 डिग्री का है। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक अंत कोण कितने डिग्री का है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अष्टभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। ओके, तो अंत कोणों का योग कितना होता है, तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था, n-2 मल्टीप्लाई बाय 80, n यानी नंबर ऑफ एंगल, यहाँ पे कितने कोण बनते हैं वो हमारा नंबर ऑफ कोण होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोण यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, अष्टभुज है तो 8 बनेगा, 8 में से 2 माइनस किया 6 आया, 6 को 180 से गुना किया, यानी पूरे अष्टभुज का अंत कोणों का योग जो आया है वो कितना आया है, 1080। अब प्रत्येक कोण कितने का है, हमें एक कोण का नाम पूछा है ना, प्रत्येक अंत कोण यानी प्रत्येक अंत कोण कितने डिग्री का है ये आपको बताना है। तो टोटल कितने कोण है, 8 है, तो हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चलेगा प्रत्येक अंत कोण कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का है। ठीक है, इसमें आपका दो क्वेश्चन कवर हुआ, बाहरी कोण का भी कवर हो गया और अंत कोण का भी कवर हो गया। ओके, कई बच्चों ने इसको नए तरीके से भी किया होगा या दूसरे तरीके से भी आपको ये सिखाया जा सकता है कि हमेशा अंत बाहरी कोण अगर आपको मालूम चल गया 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि ये रेखीय युग्म कोण बनता है रेखीय युग्म कोण, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो 180 में से माइनस 45 कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा 135। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। ओके, लेकिन बाय द प्रोसेस आपका ये सही मेथड है। ओके, थैंक यू।